बौद्धिक विभाग की तरफ से, डॉक्टर हरि सिंह और विद्यालय की तरफ से, हमारे भाषा अध्ययनशाला की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सम्मानीय अध्यागतों, हम सब जानते हैं कि आदिवासी साहित्य और विमर्श नौ साहित्यिक विमर्शों में जितने भी अस्मितामूलक सवाल हैं उनको लेकर चलाए जाने वाला सम्मानीय मंच के इस स्वागत के बाद मैं आगे के कार्यक्रम की तरफ आपको ले जाऊंगा। इस टिप्पणी के साथ कि हमने अतिथियों को अपनी बुंदेल संचार के स्रोत हैं और पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हैं आपके नाम से परिचित हैं डॉक्टर नंदा साहेब विराज। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा। मनीष ने जिस ओर इशारा किया, मैं बिना किसी जी और डॉक्टर लगाए हुए इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भाई जैसे हैं, भाई हैं बल्कि। आज आदिवासी साहित्य पर बात करने की जरूरत क्या है, आदिवासी साहित्य का इतिहास क्या है, आदिवासी साहित्य की प्रवृत्तियां क्या है, और सबसे जरूरी सवाल कि आज नए परिप्रेक्ष्य में हम आदिवासी साहित्य और पूरे विमर्श को कैसे समझें। दोस्तों, हम किसी भी संगठन या विचारधारा जिससे भी हम जुड़े हुए हैं या जिस भी आस्था से जुड़े हुए हैं, अगर हम उसका लक्ष्य समझने की कोशिश करें, मान लीजिए आप एक छात्र संगठन से जुड़े हैं, आप एक राजनीतिक संगठन से जुड़े हैं, एक आप धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, आप किसी भी विचारधारा से जुड़े हैं, अल्टीमेटली उसका लक्ष्य क्या है। हम जितनी गोष्ठियां करते हैं, जितने लेख लिखते हैं, जितनी किताबें छपती हैं, उनका लक्ष्य क्या है। यहां से मैं इस प्रस्थान बिंदु, इस सवाल के साथ में अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जितनी भी वैचारिक गतिविधियां हैं उन सब का लक्ष्य कहीं ना कहीं एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना है। हम एक ऐसे विचार, एक ऐसे दर्शन की तलाश में हैं जो हमको उस बेहतर दुनिया के निर्माण में मदद कर सके। और मैंने आदिवासी साहित्य पर काम करना इसीलिए चुना कि आदिवासी साहित्य उस बेहतर दुनिया के सपने को मुकम्मल बनाने की एक उम्मीद जगाता है। आदिवासी साहित्य आदिवासी दर्शन का वाहक है, जो दर्शन इस दुनिया की बेहतरी के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह मुझे दिखाई पड़ता है। सवाल उठता है, कोई पूछ सकता है कि हम तो प्रगति के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहे हैं, विकासशील से विकसित होने की ओर है, फिर कौन सी बेहतरी की आप बात कर रहे हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जिस प्रगति के रास्ते को हमने अपनाया है, एक बार विचार करके देखिए उसका हासिल क्या है, क्या हमने अचीव किया है उससे। जी मैडम ठीक इशारा कर रही थी कि भौतिक प्रगति के जिस रास्ते हम चले हैं, क्या हमने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है, वो लक्ष्य क्या है, क्या हमने हासिल किया है। इस दृष्टि से आप पिछले दिनों आई दो रिपोर्ट्स देख सकते हैं। जो लोग समाज विज्ञानों से जुड़े हैं वो जानते हैं, अर्जुन सिंह गुप्ता कमेटी रिपोर्ट। भारत में 70% से अधिक आबादी 20 रुपए प्रतिदिन से कम पे गुजारा करती है।
तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट। भारत की बहुसंख्यक आबादी को न्यूनतम कैलोरीज नहीं मिलती, गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, यह हासिल है हमारा या पूरी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। परमाणु बम से आगे पहुंच चुके हैं हम, हाइड्रोजन बम या उससे भी आगे एक ऐसा बम जो दिखाई नहीं पड़ता। दिल्ली में दिवाली के बाद 20 दिन तक जो पॉल्यूशन था, धुआं था, उससे भी मर जाएंगे। ये हमारे विकास का हासिल है। हमारा लगातार घटता हुआ सेक्स रेशियो, ये विकास का हासिल है। आखिर क्या हासिल है उसका? कुछ लोगों के पास गाड़ियां आ गई, कुछ लोगों के पास अच्छे कपड़े आ गए, कुछ लोगों के महानगरों में फ्लैट हो गए। कितने लोगों के लिए? साथियों, ये ऐसा दौर आ गया है जब हमको विकास के अपने प्रतिमानों और उसके हासिल इस सब पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। जितनी भी उदाहरण मैंने दिए वो कम से कम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जिस विचार के दर्शन को लेकर, विकास के दर्शन को लेकर, प्रगति के दर्शन को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे, उसमें बहुत बड़ी खामी है। वो गैर बराबरियों को बढ़ाने वाला दर्शन है। इस मायने में फिर आप देखेंगे कि भाई कह सकते हैं आपकी हमारे पास में और बहुत सारे दर्शन हैं, मार्क्सवाद है, अंबेडकरवाद है, या गांधीवाद है, या और कोई वाद हो सकता है, ढेरों वाद चले हैं। लेकिन मैं वहां विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन सब दर्शनों या वादों का हासिल क्या है? क्या हमने जिस बेहतर दुनिया का सपना देखा था उन वादों से वो हमने हासिल कर लिया? मार्क्सवाद की परिणति क्या हुई या और किसी भी दर्शन, उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दुनिया की बेहतरी के लिए एक बार आप आदिवासी दर्शन से संवाद करके देखिए। आदिवासियों के पास में एक बेहतर जीवन दर्शन है, ऐसा मेरा दावा है। और आदिवासी दर्शन से संवाद का सबसे सशक्त माध्यम आदिवासी साहित्य है। इसलिए ये गोष्ठी की प्रासंगिकता, इस पर बातचीत महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी हम आदिवासी साहित्य के माध्यम से उस आदिवासी दर्शन तक पहुंच सकते हैं और उसमें से कुछ ऐसी चीजें ले सकते हैं जिससे हम इस दुनिया को बेहतर बना सकें। अब सवाल उठता है कि आदिवासी साहित्य क्या है, उसका क्या इतिहास है, क्या परंपरा है, क्या विशेषताएं, कैसे उसकी पहचान करें। अक्सर ये गोष्ठियां या आजकल आप देखें पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ढेरों गोष्ठियां, ढेरों शोध आदिवासी साहित्य के बारे में। चूंकि हम लोग एक पत्रिका निकालते हैं, पिछले कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, तो लोग हमसे अक्सर फोन करके पूछते हैं, ईमेल लिख करके पूछते हैं कि हम आदिवासी उपन्यासों पे काम कर रहे हैं, आदिवासी कविता पे काम कर रहे हैं, आदिवासी कहानी पे काम कर रहे हैं, आप हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। मैं पूछता हूँ, ठीक है, आप आदिवासी उपन्यास पे काम कर रहे हो, कौन कौन से उपन्यास पढ़े हैं, कौन से उपन्यासकारों को आप जानते हैं, कौन से कवियों को आप जानते हैं, कौन से कहानीकारों को आप जानते हैं, किनको आपने पढ़ा है? और सबके पास वही गिने चुने नाम, रणेंद्र को पढ़ा है, संजीव को पढ़ा है, और महाश्वेता देवी को पढ़ा है, इनका एक भी आदिवासी को नहीं पढ़ा आपने। बिना किसी आदिवासी रचनाकार, और जब मैं कह रहा हूं तो खूब सोच समझकर कह रहा हूं कि इस वक्त हिंदी में, और छोड़ दीजिए हिंदी में, कम से कम 50 आदिवासी रचनाकार सक्रिय हैं। और ये कहते वक्त मैं इस बात के प्रति भी सावधान हूं कि मैं ऐसी कोई शर्त नहीं लगा रहा कि आदिवासियों के बारे में जानने के लिए सिर्फ आदिवासी रचनाकारों को ही पढ़ना जरूरी है, उनको भी बराबरी के साथ पढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमको आदिवासी साहित्य की सही परंपरा का ज्ञान होना जरूरी है।
क्या है आदिवासी साहित्य की सही परंपरा? आदिवासी साहित्य को मैं तीन भागों में बांटकर देखता हूं। यहां वंदना केडरी जी बैठी है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन, आपको पढ़नी चाहिए जिनको आदिवासी साहित्य में रुचि है। आदिवासी साहित्य की परंपरा का पहला पड़ाव या पहला भाग जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पुरखा साहित्य। मैं फिर से आपसे कहूं, पुरखा साहित्य शब्द का प्रयोग मैं खूब सोच समझकर कर रहा हूं। जब मैं पुरखा साहित्य कह रहा हूं तो उसको लोक साहित्य नहीं कह रहा हूं, उसको मौखिक साहित्य नहीं कह रहा। ये मूलतः मौखिक परंपरा है, लेकिन मौखिक कहने से थोड़ा गड़मट हो जा रहा है बाकी सारी मौखिक परंपराओं के साथ। ये हमारे पुरखों ने रचा है जिसकी हजारों साल पुरानी परंपरा है, ये लोक साहित्य भी नहीं है। लोक के प्रति मेरा कोई ऐसा नकारात्मक भाव नहीं है, लेकिन लोक या कोई भी अवधारणा अपनी पैरेलल अवधारणा से अन्य से परिभाषित होता है, सेल्फ आत्म अन्य से परिभाषित होता है। ये दिन है क्योंकि रात नहीं, लोक शास्त्र से परिभाषित होता है। शास्त्र वो नियामक ग्रंथ है जो विभिन्न समाजों को दिशा निर्देश देते हैं, उनको जीने के तरीके से और नियामक है। आप देख सकते हैं हर समाज में लगभग शास्त्र हैं, उस शास्त्र से इतर जो परंपराएं अक्सर हम उनको लोक कहते हैं। लेकिन चूंकि आदिवासी किसी ऐसे पवित्र ग्रंथ को नहीं मानते जिसको शास्त्र कहा जा सके, इसलिए उनके यहां लोक की अवधारणा भी लागू नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसको हम पुरखा साहित्य या पुरखों की कह सकते, ये वंदना जी का शब्द। सवाल उठता है कि फिर उसका अध्ययन कैसे करेंगे? अगर आप रिसर्चर हो तो आपको संकलन करने पड़ेंगे, मौजूदा संकलनों को ढूंढना पड़ेगा, और अगर एक से अधिक मौजूदा संकलन हैं तो उनमें से सही संकलन का चुनाव करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए मुंडारी पुरखा साहित्य के कई संकलन मौजूद हैं। वीरभद्र तलवार जी ने अपने अध्ययन में पाया कि उनमें से जगदीश त्रिगुणायत का जो संकलन है वो डब्ल्यू सी आर्चर और फादर हाफमैन के संकलन की तुलना में एक खास दृष्टि से प्रभावित है। खासतौर पर उन्होंने गीतों के चयन और उनकी व्याख्याओं में एक खास दृष्टि का प्रयोग किया। ऐसे संकलन कई भाषाओं में हो चुके हैं और कई भाषाओं में होने बाकी हैं। मैं पुरखा साहित्य पर सबसे अधिक जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आदिवासी दर्शन अपने मूल रूप में उसी पुरखा साहित्य में संकलित है, उसी में प्रकट हुआ है। आदिवासी साहित्य की परंपरा का दूसरे पड़ाव के तौर पर मैं आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य को सामने रखना चाहता हूं। मैं जब पुरखोती की बात कर रहा हूं, मैं पुरखा साहित्य की बात कर रहा हूं और आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य की बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि साहित्य के जो तय प्रतिमान है उनको आपको छोड़ना पड़ेगा आदिवासी साहित्य से संवाद करने के लिए। आप कहेंगे तय प्रतिमान क्या है? साहित्य तो साहित्य है, निश्चित तौर पर तय प्रतिमान है। जैसे विकास के तय प्रतिमान है चमचमाती सड़कें होनी चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए। जैसे विकास के हमने कुछ प्रतिमान बना दिए, आपके पास वो नहीं है तो आपको कुछ कुछ कम लगता रहेगा, नहीं मैं पीछे रह गया हूँ। या जो सरकारी तरीका है विकास का, परफेक्ट था इनकम वगैरह, उसी तरह से साहित्य के लिए आपने प्रतिमान बनाए हुए जो आपको पता नहीं। मैं आपसे पूछूं कि आपकी पसंदीदा रचना कौन सी है, जो बीए के विद्यार्थी एमए के विद्यार्थी उनसे पूछना चाहता हूं, ये या जो लिटरेचर के विद्यार्थी हैं उनसे भी, आपकी पसंदीदा रचना कौन सी है? निश्चित तौर पर आपके जहन में वो रचना आएगी जो कहीं ना कहीं इसकी बहुत संभावना है वो सिलेबस में रहेगी।
उसकी बहुत संभावना आपको कोई पुरस्कार मिला या जिसके बारे में आपके अध्यापक ने बताया है, आपने कहीं किसी मैगजीन में पढ़ा है, वो आपकी पसंदीदा रचना हो। यानी साहित्य का, साहित्य के हमने प्रतिमान तय कर दिए, पहला उसका लिखित होना जरूरी है, प्रकाशित, उसको प्रकाशित होना जरूरी है, उसको प्रशंसित होना जरूरी है, किसी बड़े आलोचक ने, बड़े विद्वान ने उसकी तारीफ की, उसका पाठ्यक्रम में होना जरूरी है, उसको पुरस्कार मिलना जरूरी है, या ऐसे कुछ प्रतिमान जिनके माध्यम से हम रचनाओं को जानते हैं और जो उन प्रतिमानों पर खड़ी नहीं उतरती उनसे हमारा कोई परिचय नहीं होता। हम रचनाकारों और रचनाओं को नहीं जानते। साथ ही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आदिवासी साहित्य से संवाद करने के लिए पहले आपको इन प्रतिमानों को छोड़ना होगा। फिर आप पुरखा साहित्य और आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य की परंपरा तक जा सकेंगे। यहाँ अश्विनी कुमार कुंदर जी बैठे हैं, इस दिशा में उन्होंने बहुत काम किया है, आगे उनका व्याख्यान होगा, आप सुनेंगे। आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य की परंपरा भी कोई 10-20 साल नहीं, कम से कम 100 साल पुरानी है। 2017 चल रहा है, 1920 के आसपास का मुंडा जी का एक उपन्यास मथुरा और कहानी, मथुरा की कहानी, ये मैनस ओड़िए का लिखा हुआ उपन्यास, 5 भागों में था, उससे एक हिंदी एक भाग का हिंदी में अनुवाद। 1920 में मुंडारी में एक इतना बड़ा उपन्यास लिखा जा रहा था, इसका मतलब और भाषाओं में भी लिखा जा रहा होगा। आज भी कम से कम भारत में इस वक्त 600-700 भाषाएं, उनमें से ज्यादातर आदिवासी भाषाएं, कम से कम 100 भाषाओं में सक्रिय लेखन हो रहा है। मैं 2 साल पहले रांची गया, 2-3 साल पहले अखड़ा के सम्मेलन में देखा, एक साथ कोई 20-30 किताबों का लोकार्पण हुआ आदिवासी भाषाओं में लिखे, जिनको हम नहीं जानते। एक व्यक्ति सबसे बेहतर अपनी मातृभाषा में लिख सकता है, इसलिए अगर आदिवासी साहित्य से आपको संवाद करना है तो आपको आदिवासी भाषाओं में जाना होगा। आदिवासी साहित्य की परंपरा में जो तीसरा पड़ाव है जो हमको दिखाई पड़ता है, समकालीन आदिवासी लेखन। मित्रों, इसकी शुरुआत में कोई 5-10 साल पहले नहीं हुई। अभी पंकज जी ने खोज निकाला कि पहला आदिवासी कविता संग्रह हिंदी में, जो समकालीन आदिवासी लेखन में कह रहा हूं, तो इससे तात्पर्य यह है कि हिंदी, तमिल, बांग्ला, उड़िया जो बड़ी भाषाएं हैं, लेकिन आदिवासियों की भाषाएं नहीं, इनमें से कोई भी आदिवासियों की मातृभाषा नहीं, उन भाषाओं में आदिवासी जो लिख रहे हैं, वो जो हमारे सामने आ रहा है, उसको हम समकालीन आदिवासी लेखन श्रेणी के तहत रख रहे हैं। उसमें गैर आदिवासी भी लिख रहे हैं। पहला आदिवासी कविता संग्रह सुशीला सावंत ने 30-40 के दशक में प्रकाशित किया। उनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। एलिस हिक्का 50-60 के दशक में कहानियां लिख रही थी। ऐसे और तमाम रचनाकार हो सकते, मंगल सिंह मुंडा, फादर पीटर पॉल एकता, बालकर भेंगाकरण, रोज केरकेटा, जो 30-40 साल से लेखन के क्षेत्र में सक्रिय है, लेकिन हम उनको जानना नहीं चाहते, उनसे संवाद नहीं करना चाहते, क्योंकि हमको चाहिए राजकमल से छपी हुई किताब, हमको वाणी प्रकाशन से छपी हुई किताब, आसानी से यही मार्केट में मिल जाए। किताब भी कुछ लोग खोजते हैं, कुछ तो सोचते हैं किसी कोई पुरानी थीसिस मिल जाए, उसी में से निकाल लें मैटर और अपना रिसर्च पेपर या थीसिस सबमिट कर दें। अगर आपकी आदिवासियों में रुचि है तो आपको आदिवासी साहित्य की सही परंपरा को पहचानना होगा और आदिवासी साहित्य से व्यापकता में संवाद करना होगा। इस बीच में जो गैर आदिवासी रचनाकार लिख रहे हैं उनकी लेखनी को भी आपको परखना होगा। आधार क्या, मैं समझता हूं कि वो आधार आदिवासी दर्शन है, जो सहजीविता में विश्वास करता है, सहभागिता में विश्वास करता है, सामूहिकता में विश्वास करता है, व्यक्तिवाद का विरोधी है। एक उसकी विशेषता आप पहचानना चाहें जो एकदम अलग है बाकी सबसे। हम अक्सर
एक बात में यकीन करते हैं और बड़े दावे के साथ कहते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, बहुत घमंड के साथ कहते हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं। आदिवासी दर्शन इस अहम को नकारता है। आदिवासी दर्शन मानता है कि मनुष्य नहीं दुनिया के तमाम प्राणी महत्वपूर्ण है और इसलिए सबको बचाया जाना जरूरी है, ना केवल प्राणी, पेड़ पौधे जंगल पहाड़ नदियां सब कुछ बचाया जाना चाहिए। प्रकृति के प्रति एक कृतज्ञता का भाव है, पुरखों के प्रति एक कृतज्ञता का भाव, एक सम्मान का भाव, किसी भी तरह की गैर बराबरी के खिलाफ है आदिवासी दर्शन। सवाल उठता है फिर इस दर्शन की पहचान क्या, कैसे करेंगे हम? क्या पहले हम कुछ बिंदु तय कर लेंगे, उसके आधार पर रचनाओं में खोजने की कोशिश करेंगे? ये शायद सही प्रविधि नहीं होगी। सही प्रविधि यह कि सबसे पहले हमको पुरखा साहित्य से संवाद करना, आदिवासी जीवन में जाना, उस आदिवासी जीवन से संवाद करना होगा और वहां से आदिवासी दर्शन की जो छवि निर्मित होगी उसमें कमियां हो सकती है। निश्चित तौर पे कोई कह सकता है कि आदिवासी कोई एक रूप समाज नहीं है, दुनिया का कोई भी समाज एक रूप नहीं, उसमें भिन्नताएं हो सकती है, लेकिन बुनियादी एकता भी है जो तमाम भाषाओं में, जो भारत में कम से कम 500 आदिवासी भाषाएं हैं, दुनिया में हजारों आदिवासी भाषाएं हैं, तमाम भाषाओं के साहित्य में वहां के लोगों में कुछ बुनियादी समानताएं हैं, उनको भी हमको रेखांकित करना होगा, उनको भी समझना होगा, उससे मिलकर बनेगा आदिवासी दर्शन। आखिर में इस पे अपनी बात रखूंगा कि आदिवासी इस वक्त कौन सी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आदिवासी साहित्य में वो किस रूप में प्रकट हुई है, क्या प्रवृत्तियां हैं। आदिवासियों की समस्याओं को मोटे तौर पर दो भागों में बांट कर आप समझ सकते हैं, एक आर्थिक समस्याएं, दूसरा सांस्कृतिक समस्याएं। तमाम सोशल साइंसेस में इस पर काफी शोध हो रहे हैं। जो आर्थिक समस्याएं हैं, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में बड़ी संख्या में रिसर्च, केस स्टडी, किसी एक जिले को, किसी एक गाँव को, किसी क्षेत्र को ले लिया, वहां पे आदिवासियों की आर्थिक समस्याएं क्या है उनका अध्ययन किया। आप प्लानिंग कमीशन या आजकल इसको नीति आयोग कहते हैं, उसकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं ऐसे आर्थिक अध्ययनों की भरमार। शोध गंगा जो आजकल एक पोर्टल बना है यूजीसी का, उसमें आप आदिवासियों संबंधी कोई भी तर्क डालेंगे आपको ऐसे आर्थिक सवालों से जुड़े हुए अध्ययनों का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। प्लानिंग कमीशन की एक लंबी रिपोर्ट है कि कैसे महानगरों में विस्थापित आदिवासी स्त्रियों का शोषण होता है, और शोषण मूलतः आर्थिक है कि उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, उनका ठेकेदार उनके पैसे खा जाता है, उनको उनकी जमीनों को औने पौने दाम में बहुराष्ट्रीय कंपनियां और सरकार रख लेती है, वो विस्थापन के शिकार है, उनकी प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि वो उनकी इतनी मजबूत आर्थिक स्थिति नहीं है कि उन स्कूलों में पढ़ा पाए। ऐसे बहुत सारे अध्ययन आपको मिल जाएंगे, या पुराने साहित्य को आप देखें या पुरानी रिपोर्ट्स को देखें, जो साहूकारी प्रथा है, बाहर से लोग जिनको दिखू कहते हैं आदिवासी, दिखू आए और उन्होंने आदिवासी इलाकों में अपनी साहूकारी शुरू की, कर्ज पर पैसे देना और फिर उसको दोगुना चौगुना करके उनकी जमीनों को हड़प लेना, ऐसी आर्थिक समस्याओं पर बहुत अध्ययन है, वो अध्ययन आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारा संबंध साहित्य से है, गोष्ठी का विषय साहित्य है, इसलिए मैं सांस्कृतिक समस्याओं पर थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा। दोस्तों, आदिवासियों की आर्थिक समस्याएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है वो आदिवासी एक बड़ी सांस्कृतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। सांस्कृतिक समस्याएं ज्यादा बड़ी हैं, जैसे उदाहरण के लिए उनकी पहचान का संकट। आज आदिवासियों की पहचान क्या है? आप कहेंगे कि एसटी कैटेगरी में आते हैं, या मनीष जी ने जो उदाहरण दिया
कि उनको स्वीकार ही नहीं करती भारत सरकार यहाँ के कोर्ट के देश में कोई आदिवासी भी रहते हैं। पर हम जनरली क्या करते हैं कि एक खास पार्टी और खास विचारधारा से इसको जोड़ करके कि उन लोगों ने इनकी पहचान नष्ट कर दी है उस तक सीमित कर देते हैं। आदिवासियों को एलिनेट करने की या उनकी पहचान नष्ट करने की जो पहली कोशिश हुई वो मैं समझता हूँ 1951 से आजाद भारत में, आजादी से पहले तो कोशिश होती रही लेकिन हम आजाद हो गए इसलिए इस समय को फिर से देखने की जरूरत है। 1931 की जनगणना में आदिवासियों के लिए आदिम जातियां, अपराधी जातियां, घुमंतु जातियां, इस तरह से कई कॉलम के तहत उनकी काउंटिंग हुई। जब किसी काउंटिंग होगी, किसी की गणना होगी तो उनके लिए अलग योजनाएं भी बनेगी। 1941 की जनगणना हो नहीं पाई युद्ध की वजह से, विश्व युद्ध हो रहा था। 1951 में जो भारत की पहली जनगणना थी, आजाद भारत थी, उसमें आदिवासियों के लिए कोई कैटेगरी नहीं बनाई। क्या कैटेगरी बनी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य। आदिवासी अन्य की श्रेणी में चले गए या हिंदू की श्रेणी में चले गए, ये उनकी पहचान नष्ट करने की पहली सुनियोजित साजिश थी। क्या फर्क पड़ता है पहचान होने या ना होने? बहुत फर्क पड़ता है। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में नेहरू, पटेल से लेकर डॉक्टर अंबेडकर तक से अपनी आदिवासी पहचान सुरक्षित रखने के लिए, इंडिजिनियस आइडेंटिटी सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसको सबसे पहला जो हमला हुआ उसके ऊपर तो संविधान सभा में हो गया, उनको अनुसूचित जनजाति शब्द दे दिया गया। वो एक अलग डिबेट है, आप लोकसभा की वेबसाइट पे जाकर आर्काइव में देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स वहां मिल जाएंगी। पंकज जी ने संकलन भी करा है जयपाल सिंह मुंडा और उनसे संबंधित बहस का, उसमें आप पढ़ें। वहां पे आदिवासियों को पहली जनगणना में या तो हिंदू या अन्य जो जागरूक थे उन्होंने अन्य की श्रेणी में खुद को दर्ज कराया। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे आदिवासी अपने ही देश में पराए हो गए। हम कहते हैं आदिवासियों से जो बाहर के समाज के लोग हैं कि यार ये जंगल पहाड़ का क्या करोगे, नेशनल इंटरेस्ट के लिए से दो। एक आजकल बहुत शब्द चल रहा है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित में अपना कुर्बान कर दो। अजीब सी बात है, नेशनल इंटरेस्ट है लेकिन उस नेशन में आदिवासी शामिल नहीं है। जो डैम बने, जो तमाम परियोजनाएं आई, उनका लाभ किसको मिला? किसी आदिवासी को मिला? वो बिजली आदिवासियों के घरों में गई? वो कोयले से जो मुनाफा हुआ, पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जब कांग्रेस सरकार थी कि कोयला घोटाला हुआ, इसमें इतने लाख करोड़ का नुकसान हुआ, सही से नीलामी नहीं हुई। सब लोग काउंट कर रहे हैं कितने जीरो है, बीजेपी का कितना रोल है इसमें, कांग्रेस का कितना रोल है। कोई मीडिया आपको ये नहीं बताता कि वो कोयला किसकी जमीन से निकाला गया, वहां पे कौन रहता था, किसको विस्थापित करके निकाला गया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आदिवासी एक इंटरनल कॉलोनाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, एक आंतरिक उपनिवेशवाद में जी रहे हैं। ये समाज विज्ञान की धारणा है, आंतरिक उपनिवेशवाद। सत्ता अपनी है, अपनी लेकिन अपनी कोई भागीदारी नहीं है, अपने सवालों को उसमें शामिल नहीं किया गया। हम सब की प्रॉब्लम क्या है, हम जब कोई आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में, स्त्रियों के बारे में अध्ययन करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे अंदर एक हमारी दृष्टि में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम उद्धार करना चाहते हैं, बेचारा पिछड़ा है, गरीब है, इसको कुछ दे दो। किसी भी वंचित तबके को उद्धार नहीं चाहिए, या तो उद्धार की दृष्टि होगी या सुधार की दृष्टि होगी। पिछड़े हैं, गंदे रहते हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, थोड़ा सुधार करो इनका। तो जो मैं कह रहा हूं पहली सो कॉल्ड पोटेंट कोर्ट, फिर से मैं कह रहा हूं घर वापसी की जो कोशिश है वो 51 की जनगणना में हुई, वो
उसके बाद धीरे धीरे संविधान में जो उनके लिए थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं की गई उनको भी व्यापारिक स्तर पर खत्म कर दिया गया। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, प्रभावी नहीं। पांचवी छठी अनुसूची है, प्रभावी नहीं। कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। कह सकते हैं कि अभी जो आदिवासी संस्कृति पर हमले हो रहे हैं, एक पहले अवधारणा आई थी समाज विज्ञान में एमएन श्रीनिवास ने, संस्कृतिकरण की अवधारणा बहुत तेजी से आदिवासियों और दलितों के बीच में चली। यानी आप को धीरे धीरे ये महसूस कराया जाता है कि आप पिछड़े हैं, और उसके बाद में अगला चरण ये होता है कि आप उन आचार और व्यवहारों को अपनाने लगते हैं जो समाज में जिसको उच्च तबके का दर्जा प्राप्त है, उच्च जाति का या उच्च वर्ग का, उसके जैसा आप आचरण करने लगते हैं, और कुछ दिनों बाद आप क्लेम करने लगते हैं कि आप उसके बराबर हैं। आप अपने उपनाम भी बदल लेते हैं, आप अपने आचार व्यवहार को बदल लेते हैं। ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। इसमें दलितों और आदिवासियों के बीच में और ओबीसी के बीच में काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये डिस्कोर्स अब पुराना हो चुका है। संस्कृतिकरण बहुत हुआ। एक नई अवधारणा आई है कल्चर साइट, जेनोसाइड आपने सुना होगा, एक कल्चर साइट भी एक शब्द है, सांस्कृतिक हत्या। आजाद भारत में आदिवासियों की लगातार सांस्कृतिक हत्या हो रही है। आदिवासी दर्शन को खत्म किया जा रहा है, आदिवासी भाषाओं को खत्म किया जा रहा है, आदिवासी साहित्य को खत्म किया जा रहा है। आपने सुना, आपने अभी जैसे मैं कह रहा था कि आदिवासी साहित्य के नाम पे किन साहित्यकारों के नाम गिने जाते हैं, जो सैकड़ों आदिवासी साहित्यकार हैं उनकी कोई चर्चा नहीं था। सबसे बड़ा हमला आदिवासी सौंदर्य बोध पर हुआ है। आदिवासी दर्शन की एक विशेषता है कि वहां कुछ भी असुंदर नहीं है। आपने जो तय प्रतिमान बनाए कि सुंदर लड़की कैसी होनी चाहिए, कैसा उसका रंग होना चाहिए, कैसे उसके शारीरिक गठन होना चाहिए, कैसे कपड़े पहने हुए होने चाहिए, आदिवासी दर्शन इसको नहीं मानते। लेकिन पिछले दिनों में इतनी तेजी से बाहरी दखल बढ़ा है कि आदिवासी संस्कृति और दर्शन बहुत खतरे में है, और अब आदिवासियों का सौंदर्य बहुत बदलने लगा। अब वो बाहर की सौंदर्य बोध के अनुसार बात करने लगे, अब वो बाहर की भाषाओं के अनुसार बात, अपनी भाषाओं में बात करना हीनता बोध का प्रतीक बन गया। ये गंभीर सांस्कृतिक हमला है। विस्थापन का आपने आर्थिक स्वरूप तो देख लिया, लेकिन उस विस्थापन से एक अजनीय अजनबियत, एक एलियनेशन भी उसके अंदर पैदा हुआ, एक अलगाव हो। आप कल्पना करिए कि जो आप आर्थिक विकास को सब कुछ मानते हैं, मैं आपको, आप आदिवासी नहीं है, आप सागर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जबलपुर में रहते हैं, मैं आपको उठा के चीन के हाई फाई शहर में डालू जहां पे कोई हिंदी और कोई बुंदेली बोलने वाला कोई नहीं है, जहां पे कोई वेजिटेरियन खाना नहीं है, जहां पे आपको जानने वाला कोई नहीं। आपने विकास के सारे पैमाने तो पूरे कर लिए, आपकी सैलरी भी अच्छी मिल रही है, कैसा लगेगा आपको वहां? और आदिवासी तो अपने उस परिवेश से परिभाषित होते हैं, जो सांस्कृतिक परिवेश है, उन नदियों पहाड़ों से उसका रिश्ता ये नहीं कि ये प्राकृतिक संसाधन है, इससे मुनाफा मिलेगा। आपके लिए हो सकता है, हम लोग तो एक प्लॉट खरीदते हैं शहर में, 20 साल पहले प्लॉट खरीदा, अरे देखो 50,000 का खरीद लिया था, आज 50 लाख कीमत है। हमारे लिए उस जमीन के टुकड़े की एक आर्थिक कीमत है, वही महत्व है। आदिवासी के लिए महत्व नहीं है कि मैं इसको कितने का बेच लूं या कितना मुनाफा इनके नीचे छिपा हुआ है। नियामगिरी के उदाहरण से आपने देखा होगा, वेदांता जैसी बहुत बड़ी कंपनी डोंगरिया कौन को वहां से बेदखल करने के लिए, खत्म करने के लिए आई, सुप्रीम कोर्ट ने मदद की, भाई ग्राम सभाओं से पूछी, ग्राम सभाओं ने कह दिया 12 के 12 ग्राम सभाओं ने कि हमारा पिता है, ये जो नियमगिरी पहाड़ है हमारा पिता है, ये रिश्ता है आदिवासियों का प्रकृति के साथ, उस परिवेश के साथ।
वो जंगल नदी पहाड़ वो कोई प्राकृतिक संसाधन या मुनाफा कमाने के माध्यम नहीं है, वो उनके घर परिवार के सदस्य जैसे जो आदिवासी दर्शन कथाएं कुछ पंकज जी ने संपादित करके किताब निकाली, बड़ी दिलचस्प है कि ये एक दर्शन कथा मैं आपको सुनाता हूं। विकास की योजना लेकर के कुछ लोग आए गांव में, उनका सबको मुआवजा मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, सबको घर मिलेगा। तो एक आदिवासी जो लाइन में लगा हुआ था, सबको मिलेगा कि हाँ सबको मिलेगा, तो ठीक है काउंट करिए हमारे परिवार में इतने 360 लोग हैं। क्या रे आपके परिवार में तो 5 लोग दर्ज है, बूढ़ा बुढ़िया आप दोनों आपका बच्चा, किन्हीं आपके रिकॉर्ड में गलत दर्ज है। हमारे घर में जो बैलों की जोड़ी है, उस पेड़ पर जो तोतों का झुंड रहता है, जो चिड़िया रहती है, और उस परिवेश में जो कुछ रहता है वो सब कुछ उनका परिवार है, वो उसको गिनाता है। ये आदिवासी दर्शन है जिस पर बहुत गंभीर खतरा है। एक और उदाहरण देकर के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि किस तरह उसको बचाया जा सकता था। आपने सुना होगा जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ते हैं कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। जो आयोग बना उसके सामने भाषा के आधार पर प्रस्ताव आते थे, लेकिन बहुत दुखद है कि इतने सारे देश में 10 करोड़ आदिवासी रहते हैं या 10% आबादी उस वक्त थी, 10% आबादी को कोई राज्य नहीं दिया गया। भाषाई आधार पर राज्य बनाए जा सकते थे आदिवासियों के, जैसे भीलों को ले लिया, दक्षिणी राजस्थान से शुरू करके गुजरात महाराष्ट्र और कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा, इसमें मुख्यतः भील रहते हैं, उनकी एक भाषा है, उसको भीली कहिए भीलौली कहिए कुछ भी नाम दीजिए, उसका एक राज्य बनाया जा सकता था। गोंड जिस इलाके में रहते हैं, अब ये दक्षिणी हिस्सा जो मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है, गोंड बहुल क्षेत्र है, उसको गोंड राज्य बनाया जा सकता था। ऐसे मुंडा और संथालों के बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं बनाए गए। उससे क्या फायदा होता कि अगर भाषा आधार पर बनाते तो जो उसके डेवलपमेंट के लिए अलग नीतियां बनाई जा सकती, क्योंकि आदिवासियों की समस्याएं भिन्न है, आदिवासियों के सवाल भिन्न है। हम दिल्ली से सारी चीजें तय करते हैं कि किसको क्या चाहिए, उसका नतीजा क्या होता है, सरकार ने इंदिरा आवास योजना बनाई, सबके पास एक घर होना चाहिए पक्का मकान। जब वो योजना बिरहोरों के इलाके में पहुंची, बिरहोर एक कम्युनिटी है, मैं खुद एक क्या है, वो घर बन गया उसमें नहीं रहते, उनकी जरूरत को पक्का मकान नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये सब नहीं हुआ ठीक है, तो क्या आप आदिवासियों को अलग थलग रखना चाहते हैं, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, उनको जंगलों में छोड़ देना चाहते हैं। इस पे मेरा जवाब ये है कि आदिवासियों के बारे में तय करने वाले हम होते कौन हैं, वो अपने विकास का मॉडल खुद तय करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ 20 की वकालत करता है, उनके आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत करता है। जयपाल सिंह मुंडा, जो अगर आप कोई आदिवासी वैचारिकी का सवाल उठाएंगे, जयपाल सिंह मुंडा का नाम सबसे पहले आएगा, कि जिस स्वायत्तता की बात वो संविधान सभा में कर रहे थे, आज वो सवाल कहां गया। नेहरू और तमाम लोग कह रहे थे ठीक है अभी आजाद हो जाते हैं, अभी संविधान बना लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे, उसके बाद इस पर कभी बात नहीं। यानी आप अपने घर में कैसे रहेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये आप तय करेंगे, मैं क्यों तय करूं, कोई भी क्यों तय करेगा। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को मजबूत किया जाना चाहिए, या ऐसे तमाम प्रयास जिससे आदिवासी डिसीजन मेकिंग में आए, ये नहीं कि उनको किसी पार्टी विशेष में शामिल करके और ठीक है लीजिए झारखंड बना दिया उसका मुख्यमंत्री बना दिया।
उसके पूरी दिनचर्या को सुबह जगने से रात में सोने तक की जो दिनचर्या है वो तो या तो मैडम तय कर दी है या कोई और तय कर रहा है दिल्ली से, वो आदिवासियत नहीं है। आदिवासियत को समझना पड़ेगा, उससे संवाद करना पड़ेगा और खुद आदिवासियों को यह अधिकार देना होगा कि वो अपने विकास का मॉडल खुद तय करें। उनकी भाषाएं, उनका साहित्य गंभीर खतरे में है और मैं समझता हूं कि गोष्ठी के माध्यम से उस खतरे को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो एक रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों एक भाषा ट्रस्ट है गुजरात में, उन्होंने रिपोर्ट निकाली भारत में पिछले 5 दशकों में 250 भाषाएं मर गई। एक दूसरा आंकड़ा है यूनेस्को का एक इंटरेक्टिव एटलस है जो दुनिया की खतरे वाली भाषाओं को दिखाता है, उसके अनुसार भारत की 197 भाषाएं इस वक्त खतरे में है। आप गूगल करके देख लीजिएगा, इंटरेक्टिव एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस यूनेस्को का, वो भाषाओं के खतरे में होने को कैसे निर्धारित करता है। भाषा विज्ञानी लगा रखते हैं कि कोई भाषा पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा पा रही है या नहीं, उस भाषा में प्रिंटिंग की व्यवस्था है या नहीं, वो भाषा उस भाषा को सरकारी संरक्षण प्राप्त है या नहीं, उस भाषा में पढ़ाई लिखाई होती है या नहीं, उस भाषा में ज्ञान विज्ञान की किताबें हैं या नहीं, उस भाषा में कोई मीडिया है या नहीं, उस भाषा में रिसर्च होता है या नहीं, इस तरह से या जिस क्षेत्र में वो भाषा बोली जाती है उस भाषा को बोलने वाला समुदाय अल्पसंख्यक है बहुसंख्यक है, इस तरह से कुछ प्रतिमान बना करके भाषाओं के खतरे में होने या ना होने का यूनेस्को पता लगाती है और उससे इंटरेक्टिव एनालाइजिंग बनाए। उसमें जो 197 भाषाएं खतरे में है उनमें से अधिकांश 195 मान लीजिए आप एक दो भाषाओं को छोड़ दें, सबका संबंध आदिवासियों से। उन भाषाओं को खत्म होना या उनका खतरे में होना, स्वयं आदिवासी साहित्य का खतरे में होना, पूरी एक ज्ञान परंपरा का खतरे में होना है। तो डी मैडम कह रही थी ठीक है, अल्टरनेटिव मॉडल जो हो सकता है इस पूरी दुनिया को देखने का, इस दुनिया को आगे बढ़ाने का और जो मैंने शुरू में कहा इस दुनिया को बेहतर बनाने का जो सपना है उसको साकार करने में आदिवासी दर्शन आपकी मदद कर सकता है और उस दर्शन तक जाने का माध्यम रास्ता आदिवासी साहित्य है। इसलिए इस आग्रह के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि आदिवासी साहित्य से दोस्ती करिए। आपने मुझे बुलाया, धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुचिंतित और सार्वजनिक व्याख्यान के लिए सामान्य भीड़ा सरकार और कहा, ये सच है कि आदिवासियों के पास एक बेहतर जीवन दर्शन है जिससे हमको संवाद करना चाहिए, लेकिन ये हमारी विडंबना है कि हम उसको, जब हम आदिवासियों के पास जाते हैं संवाद करने तो उस संवाद का लक्ष्य आदिवासी समाज को समझना नहीं, उसको बदलना होता है। और इस बदलाव की कई सारी स्थितियां कितनी त्रासद होती हैं इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं। एक रिपोर्ट मैंने कहीं प्रसंग आया था कि एक ऐसे आदिवासी समूह के एक व्यक्ति को कुछ दूसरी संस्थाओं ने पकड़ के उसका धर्म परिवर्तन करा दिया और एक दिन उसने वो उसका धर्म ले भी लिया। उसके कुछ दिनों के अंतराल में उन्होंने देखा कि वो जो बदले हुए धर्म की उपासना गृह में खड़ा होकर अपने वो प्राकृतिक